तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीलुकअप। वीलुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कैसे यूज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे हैं लुकअप मेथड के बारे में कि लुकअप मेथड क्या होता है। वीलुकअप, एच लुकअप, मैच ब्रेक, ऑफसेट, ये सारी चीज जो होती है वो लुकअप मेथड के अंदर आती है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लुकअप मेथड। और आप लोगों को बता दूं हमारी क्लास YouTube पे टेलीकास्ट हो रही है, इसलिए मैं पहले बता दिया आपको कि आपको रिकॉर्डिंग क्लास के बाद YouTube से मिल जाएगा। तो हमारी जो बात कर रहे हैं कि जो डेटाबेस होती है उस डेटाबेस में एक यूनिक आईडी के अगेंस्ट डेटा को लुकअप करना, इट मींस लुकअप विजार्ड। जैसे मान लीजिए कि आप अपने वेबसाइट पे जाते थे, अपना रोल नंबर डालते थे तो आपका रिजल्ट आ जाता था। तो वेबसाइट में क्या करता था कि आपके रोल नंबर को लेके पूरे स्टूडेंट डेटाबेस को सर्च करता था, उसमें से जो डेटा जो निकलता था वो आपका रिजल्ट होता था। रिजल्ट होता उसी तरह से अकाउंट में आप जाते हैं, अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, आपका आपका डेटा रिकॉर्ड आ जाता है। मतलब कि वो आपके अकाउंट नंबर के बिहाफ पे पूरे डेटाबेस में आपका इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। तो उसको हम लुकअप विजार्ड करते हैं। ठीक है, तो लुकअप विजार्ड में बात करते हैं वी लुकअप की। तो दो लुकअप है, वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप इट मीन्स वर्टिकल लुकअप एंड एच लुकअप इट मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। मतलब कि डेटा आपका वर्टिकल है, मेरा डेटा वर्टिकल है तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो एच लुकअप लगाऊंगा। तो हम पहले वी लुकअप की बात करते हैं, राइट? तो वी लुकअप में देखिए कि मेरे पास डेटा है जिसमें हमने एम्प्लॉय कोड इज द यूनिक नंबर, और इसमें से करीब सैकड़ों डेटा है, इसमें से मुझे कुछ डेटा का इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं वी लुकअप का इस्तेमाल ना करूं, वी लुकअप बिल्कुल यूज ना करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोल एफ करना होगा, डेटा को सर्च करना होगा, फिर उसको वहां से कॉपी करके और फिर अपने डेटा के अंदर पेस्ट करना होगा। तो ये अगर 3 4 5 है तो चलो आप कर लोगे, आपको 5 7 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन जहां पे 3 4 5 100 होगा या 1000 होगा वहां पे काफी दिक्कत होगी। तो उस केस में हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप देख लीजिए एक बार डेफिनेशन इसका, कि लुक फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम टू ऑफ द टेबल एंड रिटर्न ए वैल्यू द सेम रो फ्रॉम द कॉलम बाय स्पेसिफाई यू स्पेसिफाई बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। अब इसमें क्या है, हाँ प्रशांता जी को मैंने अलाउ कर दिया। इसमें क्या है कि मैंने इसको इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू कौन सा है, मतलब किसको लुकअप करना है। तो मुझे 1005 को लुकअप करना है, टेबल आ रहा है मतलब किस डेटा के अंदर, तो मैंने बोला डेटा के इस तरह। और जैसे कि वी लुकअप की डेफिनेशन ने बताया था कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम को सर्च करता है, मतलब कि आपकी जो यूनिक आईडी है जिसके बिहाफ पे वो मैच करेगा वो आपका सबसे पहले कॉलम पे होना चाहिए, उससे वो लेफ्ट की तरफ चलता है, लेफ्ट टू राइट चलेगा, राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है, राइट? आपको डेटा सर्च करना। अब जैसे 1005 किसने सर्च किया, लेकिन इसको जो है 11 रिकॉर्ड आ गए। लेकिन स्पेशल रूल क्या कहती है कि आप एक सेल में किसी एक सेल की डेटा को ही शो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कॉलम नंबर देना पड़ेगा कि किस कॉलम का डेटा चाहिए। तो मुझे चाहिए फुल नेम, जो कि डेटा में हमारा दूसरे नंबर पे है, पहला और दूसरा हमने दिया और कॉमा हम जीरो कर देते हैं। जीरो की जगह पे मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकता हूँ, इट मीन्स एग्जैक्ट मैच ट्रू हो गया, सॉरी फॉल्स। राइट, फॉल्स कर सकता हूँ। तो आपने रिकॉर्ड देखा कि आपका रिकॉर्ड आ गया। उस तरह से मुझे हायर डेट चाहिए तो मैं अगेन वी लुकअप लगाऊंगा। हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और गया टेबल में, हमने टेबल को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, हम यहाँ पे देखिए पहला दूसरा हमने तीसरा नंबर यहाँ डाला। तीसरा नंबर क्यों डाला, क्योंकि तीसरे नंबर पे है। और मैं फॉल्स के जगह पे जीरो भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने आपको ये पढ़ाया था कंडीशंस, इफ इफ कंडीशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि 1 इक्वल टू ट्रू एंड 0 इक्वल टू फॉल्स, ये हमारे
एक्सेल के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखे या जीरो लिखे, सेम थिंग। तो आपको हर रिकॉर्ड के लिए हर बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और सेम तरीके से लगाना पड़ेगा, हर बार आपको अपना कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर मेरे पास तो 30-40 कॉलम का रिजल्ट देना है तो काफी टाइम लगेगा, तो आप जो है अपने डेटा को फ्रीज कर दें। फ्रीज मतलब जैसे कि आप इसको ए को ड्रैग करोगे यहाँ तो बी बन जाएगा ना, ये देखिए बी बन गया क्योंकि गलत है, और यहाँ ए से था यहाँ बी से हो गया, इसलिए आप अपने डेटा को फ्रीज करें, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दें और यहाँ पे आप डेटा दे और फिर इसको आगे तक पेस्ट कर दें। समझ आ गया? अब आपको सिर्फ इसमें अपना कॉलम नंबर चेंज करना है कि 2 के जगह पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अरुण जी आप बिल को भी इस्तेमाल करते थे? हाँ करते हैं सर, ये तो डेली प्रैक्टिस में है। हाँ तो आप सोच रहे होंगे तो ये चीज तो आता ही है, लेकिन 2 मिनट वेट कीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा इसमें कितने नए चीज है। हाँ वही वही जानना सर, यूट्यूब पे तो देखा मैंने मैच ऑफसेट ये सब के थ्रू आप भी लगाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे एक एक करना हो रहा, फिर भी तो टाइम कंज्यूम हो ही रहा है, तो फिर मैं एक और काम कर सकता हूं कि मैं एक रो इंसर्ट करूंगा और जितने रो नंबर हैं वो रो नंबर मैं ऊपर लिख दूंगा और वी लुकअप लगाते समय इसी को रेफरेंस में ले लूंगा कि इक्वल वी लुकअप लुकअप वैल्यू, और मैं डेटा में गया इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा 1 and 2 and 3 and 4 इस तरह से लिखने की जगह पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको एंड देन 0। ठीक है, 0 तो ये मैसेज चाहिए हमें। अब ड्रैग करने से पहले मुझे फ्रीज करना होगा, मुझे A4 का A फ्रीज करना होगा ताकि A B ना बने बट 4 को 5 बनने दे। ऐसे हम A और K को फ्रीज कर देते हैं और फिर इसका 1 फ्रीज करते हैं ताकि 2 ना बने बट B को छोड़ते ताकि वो बी सी डी एफ जी आगे की तरफ बने, और फिर आगे की तरफ हम ड्रैग कर देते। लेकिन फिर इसके लिए आपको एक रो को छोड़ना पड़ेगा। अब मैं एक रो नहीं छोड़ना चाहता हूं, तो याद होगा कल मैंने आपको कॉलम का फॉर्मूला पढ़ाया था। कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है कि इसके अंदर में जिस कॉलम का रेफरेंस देते हैं उसका कॉलम नंबर शो किया, क्या शो किया 2, और हम वी लुकअप में 2 ही तो डाल रहे हैं, तो क्यों ना इस कॉलम फॉर्मूले को मैं अपने वी लुकअप में इस्तेमाल करूं। फिर मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और अपने डेटा में जाऊंगा, पूरे डेटा में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और 1 and 2 ना लिख के मैं यहाँ पे कॉलम का रेफरेंस दे देता हूँ, 1, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। फिर मैं यहाँ पे इसको फ्रीज करता हूँ ताकि हमारा रेफरेंस चेंज ना हो, और इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको बढ़ाना ही है, और फिर इसको आगे हमने ड्रैग कर दिया और आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आ गया। बट कॉलम अगर आप यूज करते हो तो 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला कि जो सीक्वेंस आपका इसका है वही सीक्वेंस आपका डेटा का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, डेटा हमेशा आपका स्टार्टिंग A कॉलम से होना चाहिए। अगर मान लीजिए डेटा आपका यहाँ से स्टार्ट है तो फिर कॉलम तो एक थोड़ी देगा, यहाँ पे वही देगा, और हम जब वी लुकअप लगाते तो यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, तो डेटा जहां से स्टार्ट है वहां से काउंट करना होगा, न कि पहले से काउंट करना है, ठीक है। मतलब जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया तहां से। तो अगर डेटा अगर छोटा बहुत इधर उधर हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हमारे पास एक और तरीका है वी लुकअप में एरे का। तो हमने इसको सिलेक्ट किया A6 को और टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया हमने,
एंड कॉमा इन द कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे जितने कॉलम नंबर है वो दे देता हूँ, ये जरूरी नहीं कि सीक्वेंस हो, आप अपने अरेंज से दे सकते हो, ठीक है। मतलब कि दो के बाद जरूरी तीन हो, पांच भी हो सकता है, वो आपका जो कॉलम का ऑर्डर है उस ऑर्डर से इसको आप यूज करें। एंड कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया एंड कॉमा जीरो। अब एक चीज और आगे की तरफ ड्रैग करें, F2 एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर से क्या फर्क पड़ा, तो बेसिकली हमें यहाँ पे 1, 2 देना है, यहाँ पे 3 देना है, यहाँ पे 4 देना है, तो आप सीरियल नंबर जो है लिखना चाहते हो तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, या फिर आप पूरे को सिलेक्ट कर लो इक्वल कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5 और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे तो आपका सिक्वेंसली हर एक कॉलम में उसका सीरियल नंबर चला जाएगा। और यही काम यहां हो रहा है, हमने कर्ली ब्रैकेट में दे दिया तो जिसको जो नंबर चाहिए उसके ऑर्डर के हिसाब से उसको मिल जा रहा है, ठीक है। अब इसका एक बेनिफिट ये भी है कि मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, मैं एक कंपनी में इंटरव्यू में गया था, मुझे बोला गया था कि विथ वन वी लुकअप आपको पूरा डेटा लाना है, समझे। बोले कि यार इतने सारे कॉलम के लिए, उनके पास एक कॉलम कम है, उनके पास कॉलम ज्यादा था, तकरीबन 30-35 कॉलम था, वो बोलते कि मुझे 30-35 वी लुकअप अलग अलग लगाना पड़ता, आपको एक ही वी लुकअप से पूरा का पूरा, आपको एक ही वी लुकअप लगाना है, एक ही बार लगाना है और पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। पहले तो मैंने उनको समझाया कि दिस इज पॉसिबल, बट याद रखिएगा कि एक भी कॉलम हर सेल में वी लुकअप, हर सेल में वी लुकअप अलग अलग लगेगा ही, हम भले एक बार में लगा दें लेकिन हर सेल में लगेगा, क्यों, क्योंकि स्पेशल रूल कहती है कि एक सेल में किसी एक सेल का ही डेटा आ सकता है, सारे सेल का डेटा नहीं आ सकता है, तो लगा करके दिखाओ तुम। तो फिर मैंने क्या किया कि पहले सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद फिर मैंने वी लुकअप लगाया और इसको सिलेक्ट किया और हम डेटा को सिलेक्ट कर लिए, फिर इन द कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे दे दिया कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया एंड कॉमा जीरो, और फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, एक गमे सारा लग गया। बहुत अच्छा चीज है सर, हो गया। बट इसमें इनका कंफ्यूजन क्या है कि आप किसी एक सेल को डिलीट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज है, पूरा सीरीज चेंज होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कि मेरे पास जो हेडिंग है वो हेडिंग का उसको सीक्वेंस नहीं है, दूसरा ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, मान लीजिए ने सैलरी आपने लगाया हुआ है, कल के डेट में सैलरी का पोजीशन चेंज हो जाता है, तो फिर से आपको वी लुकअप लगाना पड़ेगा ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरा हेडिंग डेटा की हेडिंग से कनेक्टेड हो, मैं हेडिंग कुछ भी रखूं उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट चेंज होता जाए। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला होता है, मैच का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है, और वो क्या करता है, वो करता है कि आपके डेटा में चेक करता है, डेटा को उसका कॉलम नंबर देता है, इसने चेक करके कॉलम नंबर 10 दिया, उसने बोला कि सिटी कोड का कॉलम नंबर 10 है। अब इसके जगह पे मैं फुल नेम लिख दूं, सॉरी, तो फिर कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है सर। तो वी लुकअप लगाते समय मैं कॉलम नंबर की जगह पे इसी मैच का उपयोग क्यों ना करूं, क्या सर? तो अभी यहां पे दिख रहा है कल के डेट में मैं यहां पे लिख दिया मंथ, तो डेटा मंथ का ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैंने यहां पे लिख दिया कुछ, मान लीजिए मैंने लिख दिया सैलरी, सैलरी हो जाएगा, बोनस, बोनस हो जाएगा, बोनस का डेटा हो जाएगा, क्या? तो मैं वी लुकअप में अपना मैच को यूज कर लूंगा,
ठीक है। और जब भी मेरा डेटा चेंज होगा ये अपने आप को चेंज कर लेगा। इन डाउट सर? लेकिन ये सब सबों के लिए लगाना पड़ेगा, मैच सैलरी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, मंथ के लिए, जो भी है हाँ एक उसके ऊपर हाँ जो है आपके। हाँ लगा के ड्रैग कर दीजिए ना, जैसे मैंने जो लगा दिया अब मैं इसमें इसको फ्रीज कर देता हूँ अपने हिसाब से। और हम इसको ड्रैग कर देते, ठीक है। लेकिन सैलरी की जगह जब भी हमको दूसरा बोनस लिखने तो तो चेंज हो जाएगा, बोनस बोनस का डेटा आ जाएगा। देखिए बोनस को कॉपी किया और पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो हेडिंग से कनेक्टेड है ना सर। हेडिंग चेंज होगा तो मैच का रिजल्ट चेंज होगा, और मैच चेंज होगा तो आपका वी लुकअप चेंज हो जाएगा। समझे सर? अरे बिल्कुल सीट में बिल्कुल। आपको भेज देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, राइट। फिर कल की क्लास में ओके मैं आपको वी लुकअप को और भी चीजें बताऊंगा। वी लुकअप को थोड़ा सा स्लोली पढ़िए क्योंकि तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपके डेली डेली यूज होने वाली चीज है। एक नहीं, आप डेली इसको यूज करते। ये तो पहला जो आपने बताया था केवल उसी को करते थे हम अभी तक। कोई बात नहीं, अब तो करेंगे, ठीक बिल्कुल बिल्कुल है। इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और कुंदन जी प्लीज कॉल कीजिएगा, आपसे बात करनी है। ओके बाय, गुड नाइट। नाइट।